पंजाब में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पंजाब में बीजेपी के लिए खाता खोलना भी मुश्किल हो जाएगा। पंजाब को जीतने के लिए सभी पार्टियां पूरा दम लगा रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंजाब के फरीदकोट में बड़ी चुनावी रैली की और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने खास तौर पर SC ST और OBC समाज के आरक्षण पर हो रहे हमलों का जिक्र किया और मोदी सरकार पर जानबूझकर वंचित वर्गों की हकमारी करने का आरोप लगाया। अब वो विश्वास उड़ गया क्योंकि सरकारी नौकरी भी आज नहीं मिल रही। 30 लाख वैकेंसीज इस देश में हैं और सारे स्टेट में मिलाकर 1 करोड़ नौकरियां खाली है। 30 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली है। क्यों नहीं भर रहे मोदी जी? इसीलिए कि अगर भरे तो शेड्यूल कास्ट लोगों का फायदा होगा, अगर भर गए तो बैकवर्ड का फायदा होगा, अगर भर दिए तो आदिवासियों का फायदा होगा। इसीलिए वो भरना बंद कर दिए और आज भी खाली है। और मोदी जी बोलते मैं गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मेरा चिंता बहुत है। फरीदकोट सुरक्षित सीट है और 2019 में लोकसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस के मोहम्मद सादिक ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अमरजीत कौर साहोके को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो मोगा की कद्दावर नेता मानी जाती है। आम आदमी पार्टी पंजाब में अलग से चुनाव लड़ रही है, तो आपकी तरफ से CM मान के दोस्त और एक्टर करमजीत अनमोल को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने गायक हंसराज हंस को इस बार फरीदकोट से टिकट दिया है, तो वहीं अकाली दल के उम्मीदवार है राजविंदर सिंह धर्मकोट। सूफी संत बाबा फरीद की धरती फरीदकोट में इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा रही है कि वो अपनी सीट को बरकरार रख सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दलित बहुजन समाज को संबोधित करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद किया और मोदी पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है। आपकी 56 इंच छाती पंजाब में नहीं चलने वाली है और आप लोगों को कहते हो कि कांग्रेस देश को बर्बाद की। अरे देश के संविधान को किसने लिखा, बोलिए आप, देश के संविधान को किसने लिखा? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा। एक दलित, गरीब, पिछड़ा हुआ इंसान को महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उनको लिखने के लिए उन्होंने कहा और उनका जो संविधान है उसको बचाने का काम हमारा है। जितने भी रिजर्वेशंस हैं हम रिजर्वेशन बचाने के लिए लड़ेंगे, आदिवासी के रिजर्वेशन के लिए लड़ेंगे, दलितों के रिजर्वेशन के लिए लड़ेंगे, पिछड़ों के रिजर्वेशन के लिए लड़ेंगे और जो आम पब्लिक है उनके जो बुनियादी हक है उस हकों को भी कोई छेड़ना नहीं, उसके लिए भी हम लड़ेंगे। पंजाब में दलितों की आबादी करीब 32% से अधिक है, जो अन्य राज्यों से सबसे ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह आबादी 37% तक हो जाती है। पंजाब की अधिकतर सीटों पर जीत हार का फैसला दलित वोटरों के हाथ रहता है, इसीलिए तमाम पार्टियां दलित मतदाताओं को साधने के लिए पूरी जान लगा रहे हैं। फरीदकोट की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 4 जून के बाद मोदी की छुट्टी होने वाली है। मुझे एक बात उन्होंने बोली, क्या बोले कि खड़गे साहब इस इलेक्शन के बाद आपकी नौकरी चले जाएगी, आप पड़े होंगे कोई, खड़गे विल लूज हिज जॉब आफ्टर 4th June बोल के बोले। अरे भाई मेरा जॉब चले जाएगा, मैं जॉब के लिए
नौकरी के लिए कांग्रेस में नहीं आया, मैं बचपन से पॉलिटिक्स में हूं, इसलिए हूं कि लड़ने के लिए गरीबों के साथ हूं। मैं कम से कम 60 साल से पॉलिटिक्स में हूं, 53 साल से मैं चुन के आ रहा हूं। तुम्हारे जैसा ऊपर से नहीं टपका मैं, मेरे को कोई नहीं थे, मेरा भाई नहीं, बहन नहीं, मेरी माँ नहीं, मेरे चाचा नहीं, मैं अकेला बच गया उस पुलिस एक्शन में। जब हैदराबाद में दंगे हो गए, उस दंगे में मैं और मेरे पिताजी दो ही बचे। आज मैं एक से अनेकों के साथ मैं हूं, इतने मेरे माँ बहन भाई हो गए हैं, पूछो मत। तभी तो मैं AICC का प्रेसिडेंट बना, नहीं तो बन सकता था। मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट से AICC प्रेसिडेंट बना, मैं MLA से 20 साल मिनिस्टर रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट में 5 साल रहा, 20 साल मैं अपोजिशन लीडर रहा। तो ये सब हमने करके आए, सो है मेरी नौकरी कहीं जाने वाली नहीं है, आपकी नौकरी जाने वाली है 4 तारीख को। मोदी साहब, शाह साहब, होशियार रहिए, इस देश की जनता आपको जो नौकरी दी थी वो नौकरी 4 तारीख को छीन लेंगे और उस पे गठबंधन की सरकार आकर बैठेगी। पंजाब में बीजेपी की हालत बहुत खराब है और कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा मौका दिख रहा है, इसीलिए उसकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें यहाँ जीत ली जाएं। लेकिन क्या ये कोशिश रंग लाएगी, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।